हेलो एवरीवन, दिस इज AK22। आप सभी का स्वागत है पिक्सेल मॉन के एक और एपिसोड में। और आज का एपिसोड खास है क्योंकि आज हम स्पॉन कराने जा रहे हैं एक आर्शियस गॉड ऑफ पोकेमॉन। और इसके लिए आपको प्लेट्स चाहिए रहती है, जो कि मैं मुझे रावण ने दी थी काफ़ी सारी प्लेट्स। और थोड़ी एक दो प्लेट्स मेरे पास बची हुई, दो तीन प्लेट्स मेरे पास रखी हुई थी, एक प्लेट स्प्लैश प्लेट मेरे पास नहीं थी, तो वो मैंने मुझे मिल गई है। तो इट्स टाइम टू डू द गुड। और मैं इतने दिन से ग्राइंड कर रहा था पोकेमॉन्स के लिए। लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि मैंने तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को स्पॉन करा, उनको कैप्चर करा। अब हमारा टाइम आ गया है आरसीएस को पकड़ने का। लेट्स गो। मेरे पास दो मास्टर बॉल्स है और ये सारी प्लेट्स हैं जो आपको लगती है। और ये कैसे मिलती है, आप जब कोई भी बॉस पोकेमॉन को, बॉस लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हराते हो, तो जो कि स्पॉन होते हैं रैंडमली कहीं पर भी इस वर्ल्ड में, तो उनको हराते हो तो उनसे ड्रॉप में मिलती है आपको ये सारी प्लेट्स। और ये 17 प्लेट्स है पूरी। और ये जब आप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तब आपके पास मौका रहता है कि आप अल्टर में जाएं, आरसीएस अल्टर में, और वहां पर जाके उसको स्पॉन करें। मेरे पास इसमें बहुत सारी और प्लेट्स रखी हुई हैं, जो एक्स्ट्रा प्लेट्स मेरे पास कलेक्ट हो गई थी। देखिए कितनी प्लेट्स और रखी हुई है मेरे पास, मैं इसे वापस अंदर रख लेता हूँ, या तो फिर हम इसको साथ में लेके चलते हैं। इसमें मैं ऑब्सिडियन रख देता हूँ। ओके ऑलराइटी, तो मेरे पास 17 प्लेट्स पूरी कंप्लीट हो गई है। लेट्स गो। और अल्टर कहाँ पर है, हम वार्प करेंगे उस पर। ये रहा आरसीएस अल्टर, यहाँ पर स्पॉन होता है रावण के। आपने देखा होगा जब रावण को हमने वहाँ पर स्पॉन कराया था वाले एपिसोड में, जितने भी हम तीनों गए थे उस टाइम पे, मैं था, रावण था, ऋषभ था, और वहाँ पर एक चिजल रहता है, वो रहा। वहाँ पर आपको ये सारी प्लेट्स डालनी रहती है और फिर स्पॉन होता है आरसीएस ऊपर, उसको कुछ देता है हमें और वो हमें यहाँ पर फिर लगाना रहता है। इसमें ये आरसीएस की श्राइन है, यहाँ पर बीच में लगाना रहता है, और जैसे ही आप लगाते हैं तो यहाँ पर फिर आपको आरसीएस स्पॉन होता है और आपको उसे बैटल करके उसे कैप्चर करना पड़ता है। ओके लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर। पहले मैं जैप प्लेट डालता हूँ इसमें और धीरे धीरे करके, देखो 16 प्लेट्स रिमेनिंग, एक एक करके प्लेट्स डालते जाऊँगा और ये काम करता जाएगा। 15 प्लेट्स रिमेनिंग, मैं और ऐड कर लेता हूँ इसमें। ये ऑर्ब जो है वो आसपास इसके आते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसमें प्लेट्स डालते जाएंगे वैसे वैसे। नाइस, पूरी 17 प्लेट्स रहती है। अगर आपने 17 प्लेट्स पूरी कंप्लीट कर ली तो आपके पास मौका रहता है कि आप यहाँ पर आएं इस अल्टर में और स्पॉन कराएं एक आरसीएस। नाइस, 10 प्लेट्स और बाकी है। ये देखिए ये और जो शेडोज हैं ये आसपास जमा हो रही है हमारे। इट्स टाइम बॉयज, इट्स टाइम टू स्पॉन द लेजेंड द गॉड। सिक्स प्लेट्स मोर। नाइस, 5 मोर प्लेट्स, लास्ट 5 प्लेट्स अच्छी है। 3 प्लेट्स मोर और सारे ऑर्ब जो है वो हमारे आसपास इकट्ठे हो रहे हैं। नाइस, लास्ट 2, अब लास्ट बचा है ये, हमने सारी प्लेट्स डाल दी है। ओके तो अब हमें मिलेगा ये सारे जो है वो इसके अंदर घुसेंगे धीरे से। लेट्स डू दिस। मैं तो भूल गया क्या मिलता था, मैं को अभी भी याद नहीं है कि क्या क्या मिला था इसमें से। ओके, अजूर अजूर फ्लूट मिली है हमें और ये श्राइन में हमें लगाना है। नाइस, और यहाँ पर से कोई पोकेमॉन्स आसपास ना हो। हाँ नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा उजाला कर देता हूँ। हाँ नाइस, अब ठीक है। लेट्स डू दिस बॉयस, वी आर गोइंग टू स्पॉन एन आरसीएस। लेट्स गो। What? It's that isn't time or that's okay. तो
हमें इसके ऊपर क्लिक नहीं करना पड़ता है, हमें इसके पास में क्लिक करना पड़ता है शायद यहाँ पर। लेट्स डू दिस, देखते हैं कि स्पॉन होता है कि नहीं या फिर हमारा लॉल होता है। ए भाग यहाँ से, ये इट्स हैपनिंग बॉयज, इट्स हैपनिंग। यस शिट, मैं फंस गया इसमें। ओ बॉय, ये नाइस, लेट्स सी दिस। हम निकालते हैं हमारी मास्टर बॉल और पकड़ते हैं इस आरसीएस को। लेट्स डू दिस। ओहो, 80 आईवी का मिला है, नाइस, नॉट बैड, नॉट बैड। आई विल टेक दैट। नाइस। गुड, और हमने पकड़ लिया हमारा आरसीएस। यस, द गॉड ऑफ पोकेमॉन, जिसके लिए हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, आखिरकार हमने पकड़ ही लिया। ये। अब चलते हैं हम हमारे होम में और देखते हैं कि कैसा दिखता है। और मुझे दो तीन चीज़ें और ट्राई करनी है आरसीएस के साथ, इसमें कैसा उसका आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं। होम, ओके, वी आर होम। लेट्स फाइंड आउट। ओके, कहाँ है हमारा गॉड पोकेमॉन? ये रहा, ओह माय गॉड, लेट्स गो। ओके, अब हम इसे बाहर निकालते हैं। यही गुड। अब मुझे ये तो हमने देखा है, रावण के पास है, ऋषभ के पास भी है, मेरे पास ही नहीं था, तो आखिरकार मैंने भी कर ही लिया इसको स्पॉन। व्हाट्स अप ब्रो, ही लुक्स गुड, मिस्टिकल लगता है एकदम, खतरनाक। तो हाँ, मुझे एक और चीज चेक करनी है, मैं एक मिनट में आता हूँ। ओके, लेट्स डू दिस। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा आरसीएस, और मैं चेक कर रहा था कि इसमें कैसे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जी प्लेट्स की वजह से इसका लुक चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास जी प्ले ये प्लेट्स हैं, आरसीएस प्लेट्स, और अगर आपके पास ये सारे जी क्रिस्टल्स हैं। तो चलो हम ट्राई करते हैं। मैं इसको ब्लू लेके देखते हैं, स्प्लैश प्लेट, और रेड में कैसा लगता है, देन दिस कलर। और आपको इसको आइटम होल्ड कराना रहता है तो इसका कलर चेंज होता है। नाइस, दिस लुक्स गुड, नॉट बैड, हमारे कलर से मैच करता है, हमारे बेस, हमारा जो फेवरेट कलर है ब्लू, उससे मैच करता है, सही लग रहा है। और यस, वापस से मैं दूसरा कलर देखता हूँ, ये रेड वाला फ्लेम प्लेट का कैसा लगता है। अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और स्प्लैश प्लेट लगा के देखते हैं। ये साइन कलर है, ओके, ब्यूटीफुल, लुकिंग गुड। मैं क्रिस्टल्स लगा के देखता हूँ इसमें क्रिस्टल्स कैसे दिखते हैं। ग्रीन वाला लगाएं, कौन सा क्रिस्टल लगाएं, कौन सा पर्पल, ये वाला लगा के देखते हैं। और येलो, येलो तो इसका रहता है बेस कलर। ऑरेंज, इसका बेस कलर क्या रहता है, बेस कलर इसका और येलो है, येलोइश। ऑरेंज देखते हैं, ऑरेंज वाला, ये वाला ऑरेंज, ओके। तो इसको आपको होल्ड कराना रहता है इसके आइटम स्लॉट में। ए नाइस, गुड, वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है। अब याला लगा के देखता हूँ पर्पल कैसा दिखता है। ए गुड, एक चीज़ है कि अगर जी क्रिस्टल लगाते हैं तो इसके सामने वाला हिस्सा चेंज नहीं होता है, अगर आप प्लेट्स लगाते हैं तो इसके जो सामने का हिस्सा है वो भी थोड़ा सा उसका लुक जो है उसमें भी कलर आता है। देखें, यप, अगर आप प्लेट्स लगाते हैं तो इसका पूरा लुक में सब जगह हाईलाइट होता है ब्लू, अगर आप क्रिस्टल्स लगाते हैं तो सिर्फ इसका जो ये व्हील है, जो भी है ये स्पाइक्स निकले हुए हैं, इसका कलर चेंज होता है, बाकी कलर चेंज नहीं होता है। तो प्लेट्स लगाना ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको पूरा हाईलाइटेड चाहिए ब्लू कलर का, तो हम इसे ब्लू ही रखेंगे। और मस्त लग रहा है हमारा आरसीएस, आखिरकार हमने पकड़ ही लिया हमारा फर्स्ट आरसीएस। हेलो बॉय, व्हाट्स अप। ओके, तो हमने इसको मिला के हमारे पास कितने लेजेंडरी पोकेमॉन्स हो गए, 1, 2, 3, तीन हमने बर्ड्स लिए थे। उसके बाद एक क्या कहते हैं उसका नाम, एंटाई पकड़ा है, तो 4, और ये 5वां पोकेमॉन है। पर मेरे पास अभी 3 लेजेंडरी और हैं, मुझे याद करने दो, 1, 2, 3 की 4 है शायद, 4 और हैं, तो उसको मिला के मेरे पास कितने होते हैं, 9 पोकेमॉन्स, 9 लेजेंडरी पोकेमॉन्स पकड़ लिए मैंने।
होपफुली हम जल्द ही और लेजेंडरी पोकेमॉन्स पकड़े और मैं बाकी के पोकेमॉन्स आपको धीरे धीरे दिखाते रहूँगा आने वाली वीडियोस में कि कौन कौन से लेजेंडरी पोकेमॉन है। एक और पोकेमॉन है जो मुझे मिला है, उसको मुझे इवॉल्व करना है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उसका एवोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में शायद मैं उस पोकेमॉन को दिखाऊंगा और उसका एवोल्यूशन कि कैसे आप उसको पा सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में पिक्सेलमॉन के। अंटिल देन सी यू गाइस, एक्स्ट्रा मेक इधर जा रहे हैं। Boy, see ya, ta-da!